बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस थ्री उसका लेक्चर हमारे पास ट्वेंटी नाइन है हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद ए पी मैथीमेटिक्स है यहाँ पर एफ एस सी बी एस बी एस सी एम एस सी मैथीमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेयर करें आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे जकोबियन डिटर्मिनेंट्स या जस्ट जकोबियन हमारे पास यहाँ पे जकोबियन डिटर्मिनेंट और जकोबियन ऑफ द कोआर्डिनेट फॉर्मेशन देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है वो भी फंक्शन है यू एंड वी का वाई हमारे पास है वो भी फंक्शन है यू एंड वी यहाँ जो एक्स है वो भी डिपेंड करता है यू और वी पे वाई भी डिपेंड करता है यू एंड वी पे इसका मतलब एक्स और वाई हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और यहाँ पे जो आपके पास दो वेरिएबल हैं यू और वी ये दोनों वेरिएबल क्या हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आपको पता है जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं फॉर एग्जांपल डी वाई ओवर डी एक्स तो जो जिसके आप विद रिस्पेक्ट टू लेते हैं यानी एक्स वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिसका आप डेरिवेटिव लेते हैं यानी, यानी वाई वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल तो इसका मतलब जब हम जकोबियन डिटर्मिनेंट या जुकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे जे कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यू एंड वी जे फॉर जुकोबियन इनडिपेंडेंट वेरिएबल यू एंड वी जिसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कोबियन यू वी को पार्शल देखें जो ऊपर वेरिएबल आता है वो मैंने क्या बोला डिपेंडेंट होता है तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं एक्स और वाई पार्शल एक्स व वाई ओवर वा 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 पार्शल नीचे कौन सा आता है इनडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट कौन से हैं यू एंड वी तो बेटा हम इनको लिख सकते हैं हमने डिफाइन किया जेकोबियन को जे यू वी पार्शल एक्स वाई ओवर पार्शल यू वी ये बराबर होगा लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में अब आप, आप यहाँ पे फोकस करें हमारे पास इन डि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स और वाई इनडिपेंडेंट यू एंड वी तो हम लिखेंगे पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू फिर पार्शल एक्स ओवर पार्शल वी यानी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी इसी तरह तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू और विद रिस्पेक्ट टू वी पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता है यहाँ भी एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों तो वहाँ हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ये हमारे पास ही जैकोबियन हमारे पास ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम डिस्कस करें अक्सर साइज़ फिफ्टीन पॉइंट एट थोमसफिनी की बुक से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर एट अब इसका क्वेश्चन नंबर वन इसका पार्ट ए है सॉल्व सिस्टम यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई फॉर एक्स वाई इन टर्म ऑफ यू एंड वी फाइंड जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन या जैकोबियन डिटर्मिनेंट देखें यहाँ जो u है वो x और y का फंक्शन है जो v है वो x और y का फंक्शन लेकिन हमें क्या चाहिए जो x है वो u और v का फंक्शन हो तो हम इसको चेंज करेंगे ज़रा देखें u हमारे पास है x- माइनस वाई वी हमारे पास है टू एक्स प्लस वाई मेरा काम क्या है कि मैं अब u, u और v को फाइंड करूँ इन टर्म ऑफ x एंड y, तो देखें अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू दोनों को क्या कर दें ऐड नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल यू प्लस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स ये इस थ्री को तो डिवाइड कर दें एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन बाई थ्री इसको डिवाइड कर वन बाई थ्री यू प्लस वी देखें अब x किसका फंक्शन है u एंड v का यही मैंने निकालना था जो x है वो फंक्शन है u एंड v का इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे वाई की वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई पोट एक्स की वैल्यू है वन बाई थ्री यू प्लस वी इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन क्या थी यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई यहाँ पुट करते हैं यू इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें वन बाई थ्री अंदर मलबे वन बाई थ्री यू प्लस वन बाई थ्री वी माइनस वाई वाई को उधर पॉजिटिव कर दें इसको उधर नेगेटिव कर दें वाई इज इक्ल टू वन बाई थ्री यू माइनस यू प्लस वन बाई थ्री वी इन दोनों का एलसीय ले लें वाई इज इक्वल टू जब एलसीम लेंगे थ्री यू माइनस थ्री यू प्लस वन बाई थ्री वी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू ओवर थ्री यू प्लस वन ओवर थ्री वी तो अगर आप जुकोबियन डिटर्मिनेट देखें पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू पार्शल एक्स ओवर पार्शल वी इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं और ये वाई आ गया इसका लें डेरिवेटिव पार्शल वाई ओवर पार्शल यू पार्शल वाई ओवर पार्शल वी लें विद रिस्पेक्ट टू पार्शल यू जब यू लेंगे तो वी क्या होगा कौन सा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो तो आप देखें आप डेरिवेटिव लें तो यू का डेरिवेटिव वन तो क्या आ गया माइनस टू बाई थ्री अब लें पार्शल वी विद रिस्पेक्ट टू वी यू कॉन्स्टेंट जीरो वी का डायरेट वन तो क्या आ गया वन बाई थ्री इसी तरह हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई थी वन बाई थ्री यू प्लस वी थी इसका डायरेव लें विद रिस्पेक्ट टू यू विद रिस्पेक्ट टू वी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी इसका जब डायरेव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू यू का क्या आ गया वन वी का क्या हो गया जीरो तो क्या आ गया वन बाई थ्री इस तरह इसका डायरेव लें विद रिस्पेक्ट टू वी v का डेरिवेटिव वन कॉन्सटेंट u का डी जीरो तो क्या, क्या गया वन बाई थ्री ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दें जकोबियन में पार्शियल x ओवर पार्शियल u की वैल्यू हमारे पास वन बाई थ्री पार्शल एक्स ओवर पार्शियल v की वैल्यू वन बाई थ्री पार्शल वाई ओवर पार्शियल u की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री पार्शल वाई ओवर पार्शियल v की वैल्यू वन बाई थ्री क्रॉस मल्टीप्लाइंग वन ओवर नाइन एंड पॉजिटिव टू ओवर नाइन इस कैल्शियम लें नाइन टू प्लस वन तो क्या आ गया थ्री ओवर नाइन तो वन बाई थ्री हमारे पास जुकोबियन क्या आ गया आंसर वन बाई थ्री इसका पार्ट बी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फाइंड दी एमज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई वी इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई ऑफ आ ट्राई एंगल रीजन विद वर्टसिस ये हमारे पास ट्राई एंगल है उसके वर्टस गिवन है आपको पता है कि ट्राई एंगल के कितने वर्टसेस होते हैं तीन मेरा काम है ये अगर वाटसेस ए है वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी अब आप देखें इसकी तीन लाइन सेगमेंट बनेंगे एक लाइन सेगमेंट ए सी एक लाइन सेगमेंट ए बी एक लाइन सेगमेंट बी सी इसका मतलब मैं इसकी कितनी लाइन सेगमेंट लाइन फाइंड करूंगा थ्री लाइंस ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो वन, वन माइनस वन देखें ज़ीरो ज़ीरो वन 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 माइनस टू इन एक्स वाई प्लेन स्केच इन यू वी प्लेन हम इनका जो रिजल्टेंट है वो एक्स वाई में निकालेंगे यानी लाइन निकालेंगे आपको पता है लाइन निकालें अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन हो तो उसको बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म वो होती है वाई टू माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन ओवर एक्स माइनस वन ये हम जो लाइन फाइंड करेंगे एक्स वाई प्लेन में और जो उसका स्केच ड्रा करेंगे यानी ग्राफ ड्रा करेंगे वो यू वी प्लेन में तो देखें इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास हमारे पास जो पॉइंट हैं तीन पॉइंट थे ज़ीरो ज़ीरो वन वन और वन व माइनस टू पहले मैंने ले लिया ज़ीरो ज़ीरो वन फिर हम लेंगे ज़ीरो जीरो से वन माइनस टू फिर क्या जाएगा वन वन से वन माइनस टू तीन हमारे पास लाइन बनेगी तो देखें पहला मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया ज़ीरो ज़ीरो टू वन ज़ीरो इसका मतलब ये एक्स वन ये वैल्यू वाई वन ये वैल्यू एक्स टू की और ये वैल्यू वाई टू की टू पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फार्म क्या थी हमारे पास वाई टू माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन देखें वाई टू की वैल्यू क्या है वन वाई वन की वैल्यू क्या है जीरो ओवर वाई माइनस वाई वन की वैल्यू ज़ीरो एक्स टू की वैल्यू वन एक्स वन की वैल्यू ज़ीरो ओवर एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू ज़ीरो तो हमारे पास वन ओवर वाई इजिकल टू वन ओवर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाइंग एक्स इजिकल टू वाई इसको जर तो माइनस कर दें x माइनस वाई इज इकल टू जीरो अगर आप देखें तो हमें क्या गिवन है हमें गिवन है कि x माइनस वाई इज इक्ल टू यू हमें क्या गिवन है हमें गिवन है कि u इज इकल टू एक्स माइनस वाई अब आप देखें x माइनस वाई किसके बराबर आ गया जीरो के तो इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो इसका मतलब u की वैल्यू क्या आ गई जीरो देखिए u की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट कर ली जीरो सेकेंड में लाइ हमारे पास लाइन सेगमेंट है यानी अब हमने ज़ीरो ज़ीरो से वन माइनस टू ये एक्स वन की वैल्यू ये की 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 वाई, तो की वाई वन की वैल्यू एक्स टू की वैल्यू और वाई टू की वैल्यू टू पॉइंट फॉर्म यहाँ देखें वाई टू की वैल्यू माइनस टू वाई वन की वैल्यू ज़ीरो वाई माइनस वाई वन की वैल्यू वाई वन की वैल्यू ज़ीरो एक्स टू की वैल्यू वन एक्स वन की वैल्यू ज़ीरो एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू ज़ीरो तो माइनस टू ओवर वाई वन ओवर एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हमारे पास ये अगर पॉजिटिव टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो देखें हमें गिवन है वी इज एकल टू टू एक्स प्लस वाई आप देख सकते हैं हमें गिवन है कि वी इज एकल टू टू एक्स प्लस वाई तो देखें टू एक्स प्लस वाई किसके बराबर है ज़ीरो के तो वी की वैल्यू क्या आ गई जीरो इसका मतलब यू वी कोर्डिनेट में यू वी ज़ीरो वी वी ज़ीरो ये हमारे पास क्या है यू वी प्लेन या यू वी कोआर्डिनेट्स ये हमारे पास जो कोआर्डिनेट है ये एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई कोआर्डिनेट्स बोलते हैं इनको और थर्ड हम अब डिस्कस करेंगे वन वन से वन माइनस टू तो लिखें इसको वन वन से वन माइनस टू वही ये एक्स वन की वैल्यू ये वाई वन की वैल्यू ये एक्स टू की वैल्यू और ये हमारे पास वाई टू की वैल्यू टू पॉइंट फॉर्म इसको बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन तो यहाँ देखें y2 की वैल्यू माइनस टू वाई वन की वैल्यू माइनस वन ओवर y y1 की वैल्यू वन x2 की वैल्यू वन y1 की वैल्यू वन वन माइनस वन x एक्स की वैल्यू वन तो ये आ गया माइनस थ्री माइनस थ्री ओवर y माइनस वन वन माइनस वन ज़ीरो ओवर x माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाइंग माइनस थ्री टू एक्स में इससे मल्टीफ्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो माइनस थ्री जीरो के अगेंस्ट खत्म यानी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ओवर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो नेक्स्ट आप देखें यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी वन तो देखें मैंने एक्स इज इक्वल टू वन को ऐसे लिखा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखें एक्स इज इक्वल टू वन को मैंने लिखा एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई इजिकल टू थ्री अगर आप नोट करें तो u हमारे पास गिवन था x माइनस वाई वी गिवन है टू एक्स प्लस वाई ज़रा बात को आप फॉलो करें देखें एक्स इजिकल टू एक्स इजिकल टू वन को एक्स इजिकल टू वन लिख लें या x माइनस वाई प्लस टू एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक ही बात है देखें कैसे मैं चेक करवाता आपको देखें माइनस वन प्लस वन कैंसल थ्री टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स इजिकल टू थ्री थ्री से थ्री कैंसल एक्स इजिकल टू वन देखिए इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ऐसे मैंने इसको क्यों लिखा क्योंकि x माइनस वाई हमारे पास किसके बराबर है u के टू एक्स प्लस वाई किसके बराबर है v के तो u प्लस वी इजिकल टू क्या गया हमारे पास थ्री मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं देखें u प्लस वी इजिकल टू थ्री इस इक्वेशन में दो वेरिएबल u एंड v. तो ये यू को भी कट करेगी और वी को भी देखिए इनकी पावर क्या है वन वन तो ये कैसी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन जिसको दूसरे लफ्जों में हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो देखें इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं U प्लस सॉरी U प्लस वी यू प्लस वी इज इक्वल टू थ्री अब ये लाइन ये लाइन V को कट करेगी वहाँ पे u क्या होगा ज़ीरो जैसे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ज़ीरो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो इसी तरह यू एक्सिस पे वी की वैल्यू ज़ीरो वी एक्सिस पे यू की वैल्यू जीरो तो यू की वैल्यू जीरो पुट करें वी की वैल्यू थ्री देखें पहले हम यू लिखते हैं बाद में वी क्योंकि एक्स कोआर्डिनेट यू है वाई कोआर्डिनेट वी तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास ज़ीरो व थ्री इसी तरह जब लाइन u को कट करेगी u को कट करेगी v क्या होगा जीरो अब v जीरो पुट करें u इक्वल टू थ्री तो पहले u आएगा थ्री फिर v, तो आप ग्राफ ड्रा कर लें एक्स वाई कोआर्डिनेट सिस्टम ये u है और ये हमारे पास v, अगर आप देखें तो आपके पास पिछला जो पॉइंट आया था ओरिजिनल पे जीरो ज़ीरो इसमें u भी ज़ीरो था v भी जीरो तो वो ये बन गया ज़ीरो वीरो अब आप देखें हमारे पास u की वैल्यू थ्री है और v की वैल्यू एक्स तो ये बनेगा थ्री वा ज़ीरो क्योंकि u एक्सिस पे u एक्सिस पे v की वैल्यू ज़ीरो इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है ज़ीरो वा थ्री जीरो वा थ्री क्योंकि v एक्सिस पे u की वैल्यू ज़ीरो इन दोनों को आपस में मिला दें इन दोनों में आपस में मिला दें तो हमारे पास जो ट्राई एंगल बनी वो कैसी बनी राइट ट्राई एंगल क्योंकि ये एंगल क्या है नाइन्टी ये हमारे पास क्या बन गई राइट ट्रायंगल तो ये इसके पास हमारे पास इसका स्केच था किस में यू वी प्लेन में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगर इसमें कोई आपके आपको इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं